हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज किया जा रहा है जो सुखदेव जी परीक्षित महाराज को 7 दिन सुनाया था, वास्तव में उस तिथि को हम लोग पालन कर रहे हैं। वास्तव में गौड़ीय संप्रदाय में रोज भागवत सुनो, ये सिद्धांत है। भागवत कथा भगवान कृष्ण के चरित कथा 7 दिन नहीं, प्रतिदिन प्रति मुहूर्त श्रवण करना है। कथा ही जीवन है। नवदा भक्ति के अंदर सबसे पहले जो बात आता है, प्रहलाद महाराज को जब उनका पिताजी ने पूछा सबसे श्रेष्ठ शिक्षा क्या है, पहले तो उन्होंने बोला कि बनौंगतो जधरिमाश्रय। दूसरा बार आए और कुछ दिन पढ़ाकर जब दूसरे बार पिताजी उनसे पूछते क्या उत्तम शिक्षा किए, उन्होंने कहते श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं। नवदा भक्ति के अंदर प्रथम कथा सुनो, बिना साधु के मुंह से बिना गुरु के मुंह से हरि कथा सुने तुम्हारा शुद्ध भक्ति में प्रवेश, शुद्ध भक्ति में आग्रह, शुद्ध भक्ति में तुम्हारा रुचि नहीं आ सकता। इसलिए भगवत कथा को सुनना ये भक्ति का पहला सीढ़ी है। कथा के श्रवण से श्रद्धा के साथ आप जब कथा को सुनेंगे और कथा जब कान के द्वारा हृदय में प्रवेश करेंगे, कथा का एक शक्ति है। आपके अंदर श्रद्धा है और कोई वासना लेकर आप नहीं सुन रहे। पुराण में बहुत सारे कथा है कि प्रेत जोनि से मुक्त हो जाए और पाप ताप से मुक्त हो जाए, ये सब गौण कथा है, बाह्य। वास्तव में यस्यांग वै श्रूयमानायं कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसांग शोक मोह भयापहा। भागवत में ऐसा वर्णन है कि जिस कथा को श्रवण करने से कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते, भगवान कृष्ण के चरण में आपका विशुद्ध भक्ति प्रकट होगा, उत्पद्यते उत्पन्न होगा, शोक मोह और भय ये जाएगा, ये श्रवण क्रिया का एक बाह्य फल है, वास्तव फल, मुख्य फल हरि में प्रीति हो, हरि भक्ति आपको। अतः हम लोग भक्ति कामी होकर भक्ति लाभ करने हेतु हम यदि बैठे सुने बड़ा उत्तम होगा, और कथा श्रवण करने का वास्तव फल सबको प्रभावित करेगा और कथा बोलने वाले को दिल में भी बड़ा आनंद आएगा। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ नहीं होता है, भागवत कथा सप्ताह नहीं होता है, ज्ञान का यज्ञ हम लोग नहीं करते हैं, भागवत कथा का सेवन करते हैं। सेवा बुद्धि से, हाथ से सेवा होता है हरि सेवा, पैर से सेवा होता है परिक्रमा लगाओ, कान से सेवा होता है भगवान का कथा रस पान करते जाओ, ये भी एक सेवा है।
तो हम लोग सेवा बुद्धि से भागवत का सेवन करेंगे। ग्रंथराज भागवत विराजमान, हम लोग 7 दिन श्रद्धा सहित भागवत का सेवन करेंगे, सम्मान करेंगे, प्रणाम करेंगे, आरती करेंगे, उनका कथा को आदर के साथ भीतर में प्रवेश कराएंगे, बैठाएंगे, मनन करेंगे। आपका फायदा तब है, आप भक्ति जीवन शुरू किए, आप भक्ति में अग्रसर हुए, आप भक्ति लाभ करते हुए जीवन को सार्थक बना दिया, तब तो आपका भगवत कथा का श्रवण ठीक ठीक हुआ। हम कथा का प्रारंभ में ये भी बताएंगे कि भागवत कथा 3 मुख्य सिटिंग बैठक भागवत कथा हुआ था। बद्रिकाश्रम में वेदव्यास जी के आश्रम पर, सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर सबसे पहले भागवत का सिटिंग हुआ था, जिसमें वक्ता स्वयं वेदव्यास जिन्होंने लिखा, श्रोता सुखदेव जी, ब्रह्मलीन पुरुष। लेकिन भाग्यवश ऐसा हुआ, जिनके पास सुनने के लिए बैठे वो स्वयं अपना पिता है। जन्म लेने के पश्चात दौड़कर जंगल में प्रवेश किए थे सुखदेव जी। दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश, जिस माया को दूर में रखते हुए सुखदेव जी जंगल के अंदर प्रवेश किया था, माता पिता का मोह में नहीं पड़ेंगे, भागवत श्रवण करने के लिए, प्रभु का कथा श्रवण करने के लिए उनको पिताजी के पास आना पड़ा। उनका पिता ज्ञान नहीं था, वो वेदव्यास जी के पास आए, लेकिन 7 दिन तक वो भागवत कथा सुना। उसका कारण बाद में हम लोग श्रवण करेंगे, लेकिन सबसे पहले भागवत का सिटिंग बद्रिकाश्रम के नजदीक निकट सम्माप्रास तीर्थ, जो वेदव्यास जी के आश्रम, वहां पर सुखदेव और वेदव्यास जी का कथोपकथन से हुआ। दूसरा सिटिंग हुआ, सुखदेव जी परीक्षित को सुनाया, मुजफ्फरनगर सुखतार, हमारा ख्याल से यूपी के अंदर है, दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली से हरिद्वार जाते समय पड़ता है सुखतार, सुकरतली, वहां पर सुखदेव परीक्षित महाराज को सुनाया था। उनके साथ में और ऋषि मुनि, देश के नागरिक बहुत सारे थे। तीसरा सिटिंग हुआ था ये नैमिषारण्य में, जहां पर सुत गोस्वामी, जिन्होंने सुखदेव जी के सभा में भी बैठकर सुन रहे थे, उन्होंने 60,000 ऋषियों के सामने यहाँ पर नैमिषारण्य में भागवत कथा सुनाया। और इस तरह से आज धरती पर हजारों लाखों भागवत कथा का बैठक चल रहा है। हम ध्यान करने जा रहे हैं, किनका कथा हम बोलने जा रहे हैं? स्वयं परमेश्वर कृष्ण, सत्यम परम धीमहि, सत्य वस्तु पर वस्तु को मैं ध्यान करता हूँ, भागवत का मंगलाचरण वस्तु का निर्देश दे रहा है। हम इस संसार में किसका ध्यान करते हैं, ध्यान का वस्तु कितना प्रकार की, लेकिन शास्त्र कहते, भागवत कहते, सत्य वस्तु परम सत्य वस्तु को ध्यान करो, जिनसे ये सृष्टि स्थिति प्रलय हो रहा है। जन्माद्यस्य जतो अन्यादितरतस्य अर्थेषु अभिज्ञ सराट, जो सृष्टि कार्य में पूरा जिनका जानकारी है, अर्थेषु अभिज्ञ, जो सराट स्वतंत्र तत्व है,
तेजो बारी मृदांग जथा विनिमय जत्त तीसर गमृषा। माटी, जल, अग्नि, ये तीनों का विनिमय में कितना ये विश्व का सृष्टि हुआ। सृष्टि को देखने में सत्य लगता है लेकिन मिथ्या, देखने में मिथ्या लगता है लेकिन सत्य। ईश्वर के अवस्थान हेतु मिट्टी का बनाया हुआ चीज भी सत्य है। मेरा बॉडी पंचभूत से बना लेकिन मैं सत्य हूं, कैसे? मेरे अंदर ईश्वर विराजमान है, सत्य जैसा प्रतीत होता हूं, और सत्य होते हुए भी मैं मिथ्या हूं। मेरे को ज्यादा दिन नहीं रहना है, ये शरीर का विनाश है, सृष्टि का विनाश है। सत्य होते हुए भी मिथ्या है, झूठ। ऐसा जो भगवान जिन्होंने सृष्टि स्थिति लय के मूल, तेने ब्रह्म हृदय जो आदि कमो ये मुज्जंती जत सूरय, जिन्होंने ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि का ज्ञान, धर्म का ज्ञान प्रकाश किया, जिन तत्वों में देवतागण भी मोह प्राप्त हो जाते, मुज्जंती जत सूरय। हम तो क्या है, मनुष्य क्या है, देवतागण भी जिनके बारे में, जिनको समझने में मुझंती मोह प्राप्त होते हैं। ऐसा वस्तु तं सत्यम परम धीमहि, ऐसा सत्य वस्तु पर वस्तु को हम लोग ध्यान करते हैं। ये भगवान का ध्यान प्रणाम। दूसरा श्लोक में उनका धर्मों के बारे में बोल रहे हैं, भागवत में जो धर्म का वर्णन है उसके बारे में बोल रहे हैं। धर्म प्रज्ञित तो कोई तो वत्र परमो निर्मोत्सरणांग सदाम, कितना प्रकार के धर्म, देह धर्म, समाज धर्म, परिवार धर्म, राजविद्या का धर्म, पुराणों में कितना प्रकार का धर्म वर्णन है। भागवत उन सभी से थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? भागवत में ऐसा एक धर्म का वर्णन है जिसमें कोई माया का प्रवेश नहीं, जिस धर्म के चर्चा में, जिस धर्म का जाजन में, जिस धर्म का अनुष्ठान में माया, छल, कपटाई नहीं है। धर्म प्रज्ञित कोई तो वत्र, कपटता रहित, छलना रहित, छलना रहित। हमारा भागवत धर्म छोड़कर जितना धर्म है उसमें छलना है, उसमें सकाम भाव है। धर्म के बाहरी रूप एक है और अंदर का रूप और है, लेकिन भागवत धर्म, भक्ति धर्म निष्काम, भागवत धर्म निर्मल, भागवत धर्म भगवान के तोषण पर धर्म है। इसमें कोई छलना का प्रवेश नहीं है, स्थान नहीं है। धर्म प्रज्ञित गैतव अत्र परमो निर्मोत्सरणांशताम, ये निर्मल साधुओं के धर्म है, जिनका गद्दी है, जिनका टाइटल है महंत, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, ये सब टाइटल है। ये टाइटल रोहित धर्म, भागवत धर्म निर्मत्स साधु का धर्म है। शरणागति के बल पर आप ईश्वर का भजन करें, ईश्वर का भजन के विनिमय में आप ईश्वर से कुछ प्रार्थना ना करें, आपका कर्तव्य के बुद्धि से नहीं, आप ईश्वर से, आपका सृष्टि है, उनको प्यार करना है, उनको प्रेम अर्पण करना है, इसके विनिमय में कुछ नहीं है। ऐसा कोई धर्म भागवत धर्म छोड़कर और कोई धर्म नहीं। इसलिए भागवत में दूसरा श्लोक में ही धर्म को क्लैरिफाई किया।
इस धर्म में कोई मत्सर धर्म नहीं है, भागवत धर्म में केवल भगवान प्रभु मैं सेवक। इसलिए गौड़ीय संप्रदाय में गुरु भी कृष्णदास है, गौड़ीय संप्रदाय में गुरु भी अपना चेला को प्रणाम करता है। इसलिए गौड़ीय संप्रदाय में गुरु एक सेवक अभिमानी है, कभी आपने को पूज्य अभिमान नहीं करते। निर्मत्सरानां सताम, इसमें भगवान और मेरा बीच में कोई दरार नहीं है। वो सेवक तत्व है और मैं सेवक तत्व हूँ, इसमें और कोई घटकाली नहीं कर सकते, घटक नहीं है। इस धर्म के अंदर कोई प्रकार का लाभ पूजा प्रतिष्ठा का स्थान नहीं है। इस धर्म के अंदर कोई प्रकार का बिजनेस नहीं चलेगा। प्रहलाद महाराज ने जब नरसिंह भगवान उनको बोला कि तुम वर मांग लो, तो प्रहलाद महाराज ने बोला आपको भजन किया, आपको समीरन किया और उसके बदला में आपसे कुछ मांग ले बर, नवई सब भृत्य सबई बनिक, वो भृत्य नहीं हो बनिक, और बनिक वृत्ति भगवान के साथ नहीं चल सकता है। जहाँ चलता हो वहाँ कली है, वहाँ माया है, भगवान के साथ बनिक वृत्ति नहीं। वो बनिक वृत्ति को प्रच्छित कोई तब बोला, छल कपटाई नहीं, उसमें रह नहीं सकता। इसलिए भागवत धर्म जाजन करना बड़ा कठिन है। वेदं वास्तवम् अत्र वस्तुम्, भागवत धर्म में मेन विषय भगवान कृष्ण, वास्तव वस्तु, अवास्तव वस्तु नहीं। और अनस अभिनश्वर, कोई विनश्वर वस्तु है उसका चर्चा नहीं इस धर्म में। जो सच्चिदानंद घन तत्व है उनके बारे में धर्म, सच्चिदानंद वस्तु केंद्रित धर्म। यदि शरीर केंद्रित हो, धर्म यदि कमाने का इच्छा से हो, धर्म यदि मेरा पार्थिव सुख शांति के लिए हो, तो कैतव धर्म है। भागवत दूसरा श्लोक में इसको क्लियर किया। इसलिए कृष्ण मंदिर में भीड़ कम होता है, गौड़ीय मठ में भीड़ कम है। ऐसा उल्टा पलटा भागवत में बोल देते हैं, भागवत कथा में प्रवचन में बोल देते हैं, यहाँ पर लाइन नहीं लगा रहता है, एकदम सुबह से लेकर शाम तक लाइन। पुजारी जी बैठ जाएंगे, माथा में तिलक टीका लगाएंगे, कुछ आशीर्वाद देंगे, ऐसा करते रहेंगे तो यहाँ पर भीड़ लग जाएगा। वास्तव में भागवत कथा श्रवण करना है, भागवत का दूसरा श्लोक एकदम तन्न तन्न खंड खंड करके उसको समझने का कोशिश करें। प्रज्ञितो कोई तो ऐसा अगर धर्म आप जाजन करेंगे, उसका फल भी बता दिया इसी श्लोक में, ईश्वरो सद्य हृदि अवरुद्धते अत्र। भागवत धर्म करेंगे आपके हृदय में भगवान आकर बैठ जाएंगे, भगवान आपका हृदय में बांध जाएंगे, वहां से हटने का इच्छा नहीं करेंगे। जब भगवान ने किसी समय बोले नारद जी को, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनां हृदयेन च, मद भक्ता जत्व गायन्ति तत् तिष्ठामि नारद, मेरा भक्त जहाँ पर मेरा गुणगान करते हैं मैं वहाँ पर रहता हूँ, मैं जोगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ और मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ। और एक कवि ने ऐसा लिख दिया, चौराष्टकम ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम ब्रजांगनानं दुकुल चौरम पदाश्रितानं समस्त चौरम चौराग्य गण्यं पुरुषं नमामि। कृष्ण को चोर शिरोमणि बताया, उसमें ऐसे बोले मन मानसे तामस राशि घोरे, मेरा शरीर, मेरा
हृदय के अंदर तामस राशि अंधकार, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य भरा हुआ है। अगर आप भागवत धर्म जाजन करते करते आप हृदय को परिष्कार कर लिया, भगवान चाहता है, देखते हैं किसके हृदय में मैं जाके बैठूं, शांति से बैठूं। भगवान कहते हैं इस संसार में ज्यादा से ज्यादा भक्त तो मेरे को शांति में बैठने नहीं देता है। हम किसी के पास चले जाते हैं, ये ले आओ, वो ले आओ, ये ले आओ, मेरा लड़का का नौकरी दो, लड़की का शादी करा दो, व्यापार ठीक नहीं चल रहा, ऐसे मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, तो भगवान उधर नहीं रहते, भाग जाते क्योंकि परेशान कर देगा। लेकिन कोई भक्त तो बोलते हैं, प्रभु तुम मेरा हृदय में बैठो, मैं जन्म जन्म तेरा दासत्व कर सकूं, शुद्ध दासत्व कर सकूं, ऐसा जो भक्त है तो भगवान वहाँ पर आके बैठते हैं क्योंकि ये परेशान मेरे को नहीं करेगा। आज ये चीज़ चाहिए तो काल फलाना चीज़ चाहिए, फिर इसी तरह से एकदम सारा साल का एक व्यापार चलता रहेगा। एक तो देते हैं तो और एक तो चाहिए, दूसरा देते हैं तो तीसरा चाहिए, वहाँ पर भगवान का मजा नहीं आता। कभी कोई रिश्तेदार के घर में आप जाए तो मजा भी आ जाता है, बड़ा प्रेम से बड़ा दिल खोलकर आपका सेवा किया, आपका मजा आ गया। आप अगर भगवान के दरबार में गया, अगर भगवान को मजा नहीं आया तो आप किस चीज का भक्त है? भगवान को मजा आ जाएगा आपके त्याग से, आपके शुद्धता से, आपके पवित्रता से, आपके सेवा वृत्ति से भगवान का मजा आ जाएगा, तब ना भक्ति। भागवत धर्म ऐसा है जहां पर हरि को संतुष्ट करना है, अपना संतोष के लिए कोई 1% भी सोचना नहीं। ब्रज गोपियां क्यों श्रेष्ठ थे? ब्रज गोपियां का इतना प्रभाव क्यों है भक्ति मार्ग में, भक्ति जगत में ऐसा प्रभाव क्यों है? उन सभी में कृष्ण को सुख देना छोड़कर 1% भी अपना सुख के लिए चिंतन प्रचेष्टा नहीं थी, तब जाके वो लोग श्रेष्ठ भक्त है, तब जाके कृष्ण का भूखा आया। नारद ऋषि बोलते हैं कि मैं कबीराज को बोला के ले आता हूँ। मतलब क्या कबीराज को बोला के ले आएगा, तुम ब्रज में जाओ ना, कबीराज बैठे हुए हैं। तो नारद ऋषि गया और सबको बोला कि कृष्ण का भूखार हो गया, क्या करना है क्या करना है, ये बोलता है वो दवाई ले जाओ, ये बोलता है ये दवाई ले जाओ। तो नारद ऋषि बोलते हैं कि किसी भक्त का चरण रज चाहिए, चरण रज से उसका बीमारी ठीक हो जाएगा भूखार। तो सबके पास मांगते मांगते गए, दुनिया में किसी ने बोलता है तुम पागल है क्या, भगवान को हमारा चरण धूली देगा? तो नारद ऋषि ब्रज में गए और ब्रज गोपियां के पास जाकर जब बोले कि चरण धूली चाहिए भक्त का, तो वो लोग अपना पैर झाड़ झाड़ कर नारद को दिया कि चलो अरे जाओ कृष्ण को जल्दी ठीक करो। तो ऐसा भक्ति कहाँ मिलेगा, ये है भक्ति। उसमें अपना अपराध, आप चरण धूली अगर मैं भगवान को लिए दूं तो अपराध है, महापाप है। लेकिन गोपियों ने सोची थी कि ये अपराध से मेरा नरक गमन होगा, लेकिन कृष्ण तो ठीक हो जाएगा, ये विचार है। तो इसलिए भागवत श्रवण करने के लिए बैठने से, आप लोग में ऐसा भी भक्त है, लाखों लोगों का पैंडल में बैठकर भागवत सुने हैं और सन्यासी महाराज से आप क्या सुनेंगे, वही गाली देते रहेंगे सुबह से लेकर शाम तक। हम लोग का जीवन चरित्र ऐसा बना, हम लोग का भक्ति में ऐसा रुचि आया कि हम लोग शुरू से शरणागति के बल पर शुद्ध सेवा भावना से हम लोग आए और हम लोग का जीवन धन्य हो गया। यदि आप लोग के मन में, आप लोग के कर्णों से कोई कथा बैठ जाए
शुद्ध भक्ति में आप लोग का रुचि हो जाए तो हमारा भागवत बोलना सार्थक हो जाए। तीसरा श्लोक में बोल रहे हैं, मंगलाचरण का तीसरा श्लोक, निगमो कल्पतर और गोलितंग फलम। दो प्रकार के शास्त्र है, एक आगम शास्त्र है, एक निगम शास्त्र है। आगम शास्त्र में तंत्र, अर्चन, विधान, ये सब आगम शास्त्र में है, और निगम शास्त्र में हरिकथा और साधु संग, ये निगम शास्त्र का। इसलिए भागवत धर्म में ज़्यादा यज्ञ पूजा अर्चना का विधान नहीं है। भागवत धर्म में शांति से बैठ के कान को भगवान को दे दो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने बोला कि तुमको ईश्वर को पाना है, देखना है, तो तुम सबसे पहले साधु को अपना कान दे दो तो तुम्हारा भगवान दर्शन हो जाएगा। कान से भगवान को देखो, आँख से भगवान को देखने जाओगे तो पत्थर आ जाएगा, लकड़ी आ जाएगा, पित्तल आ जाएगा, मिट्टी आ जाएगा, लेकिन कान से भगवान को देखोगे अपराकित बुद्धि से भगवान को दर्शन करने का तुम ईश्वर बात। जितना शास्त्र है, वेद पुराण उपनिषद, इसको सुनने से तो 7 दिन सफिशियंट नहीं होगा। वेद से आया वेदांत, वेदांत से उपनिषद, उपनिषद से पुराण, पुराण से आया उपपुराण, उसके बाद इतिहास महाभारत, उसके लास्ट में आया श्रीमद् भागवत। तो इसे शास्त्र निर्जास निचोड़ कर आया श्रीमद् भागवत। गौड़ीय संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु ने भी बचपन में अपना, जब 6 मास में रुचि परीक्षा होता है तो चैतन्य महाप्रभु भागवत को आलिंगन किया था, और चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में केवल भागवत, यहाँ तक गीता का भी इतना प्राधान्य नहीं है। जो गीता लेकर कितना लोगों के घर में गीता, अगर पढ़ने नहीं पाते तो कम से कम फूल तुलसी देते हैं, घर में रखते हैं, मंदिर में रखते हैं। गीता का लास्ट शब्द है शरणागति, और भागवत का शुरू है शरणागति। शरणागति से तुम भगवान का भजन शुरू करो, ये है भागवत। निगम कल्प तरोर गलितं फलम, सुक मुखाद अमृत दव संयुतम। समस्त शास्त्रों का निचोड़ है श्रीमद् भागवत, धीरे धीरे श्रवण करेंगे आप लोग, एकदम पका हुआ फल, केवल रस भरा हुआ फल। सुक मुखाद अमृत दव संयुतम, सुखदेव का मुंह से निकला जैसे एकदम अमृत। पीवत भागवतम रसमालयम, हे साधक, हे जीव, हे मनुष्य, हे भक्त, निरंतर इस भागवत रस का पान करो, मुह रहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिकगण, रसिक भक्त भी भागवत पान करते हैं, कर्मी भी भागवत रस पान करते हैं, ज्ञानी लोग भी भागवत रस पान करते हैं, और भक्त लोग, साधक लोग भी भागवत का रस पान करते हैं। भागवत ऐसा रस है कि जिनके कान के द्वारा, जिनके हृदय में प्रवेश करेगा, आपके अंदर सकाम भाव है उसको भी हटा देगा, आपके अंदर बनिक वृत्ति है उसको भी हटा देगा, आपके अंदर आत्म तृप्ति, आत्मसंतोष या अपना जस प्रतिष्ठा का वासना है उसको भी हटा देगा, केवल कृष्ण चरण में निष्किंचन अकिंचना भक्ति को पैदा कर दे। यह है भागवत। भागवत का पहला स्कंद में सुतो सौनक संवाद, भागवत और कुछ नहीं है, गुरु शिष्य संवाद। कोई प्रश्न करता है और गुरु उनको उत्तर देते हैं। सौनक ऋषि प्रश्न लेकर आया और सुत गोस्वामी नैमिषारण्य में उनको उत्तर दिया, वही श्रीमद् भागवत। फिर कथा प्रसंग में वो ले आते हैं, सुखदेव जी परीक्षित महाराज से क्या प्रश्न सुना था और सुखदेव जी क्या उत्तर दिया था, उसी को सुनाएंगे। ऐसे घुमा फिराकर गुरु शिष्य संवाद, यही श्रीमद् भागवत है।
श्रीमद् भागवत का सृष्टि का कथा ये भागवत का पहला स्कंद में आता है, मैं बाद में आपको बताते हैं। लेकिन कथा का प्रारंभ होता है कि 60,000 ऋषि, उनके अंदर मुख्य रूप से शौनक ऋषि, उन्होंने सुतो गोस्वामी जी को प्रश्न किया, छठो प्रश्न किया कि आत्यंतिक श्रेय क्या है, किससे आत्म प्रसन्नता मिलता है, दो, तीसरा है भगवान का जसक कथा, भगवान का अवतार कथा, भगवान का चरित कथा, लीला कथा, और जैसे ही कृष्ण द्वापर युग के अंत में इस संसार छोड़कर चले गए तो धर्मों कहाँ पर आश्रित रहे, धर्मो सदा कृष्ण सदामोपगते धर्म ज्ञानादिभि सह कलौ नष्ट दृशामेशो पुराणार्को धुनोदितो। कलियुग द्वापर युग का अंत कब हुआ, जब कृष्ण ये संसार छोड़ दिया उस दिन द्वापर युग का अंत हुआ और कलियुग का प्रवृत्ति हुआ। ये छह प्रश्न, आत्यंतिक श्रेय क्या है, कैसे आत्मा का प्रसन्नता होता है, हम संसार में क्या चाहते हैं, हमको रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए और रहने का जगह मिल जाए, घर, रोटी कपड़ा और मकान, बस हम संतुष्ट हैं। और पूरा काल में ऐसे प्रश्न होता था, आत्मा का प्रसन्नता कैसे होगा, देह का प्रसन्नता नहीं, अगर देह का प्रसन्नता का बारे में पूछना है तो भागवत के पास जाना नहीं पड़ेगा, भागवत वक्ता के पास जाना नहीं पड़ेगा, कोई पंडित जी मंदिर में बैठा है उनसे पूछने से होगा, लड़की का शादी कैसे होगा और हमारा पति का बीमारी कैसे जाएगा, किसी पंडित से पूछने से हो जाएगा। लेकिन भागवत बोलते हैं कि आत्यंतिक श्रेय क्या है, श्रेय मतलब जिससे हमारा कल्याण हो, वास्तव कल्याण हो। हम तो जानते हैं मेरे को पैसा अधिक मिल जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा, लेकिन ये सब बात आज का कॉन्सेप्ट है, कलियुग का कॉन्सेप्ट है, मूर्खों का कॉन्सेप्ट है। वास्तव में श्रेय क्या चीज है, वास्तव में हमारा मंगल कैसे होगा और आत्मा कैसे प्रसन्न तो होगा, मन प्रसन्न हो, देह प्रसन्न हो हम खुश है, हमारा परिवार प्रसन्न हो हम खुश है, कभी भी हमारा अंदर ये प्रश्न नहीं आता है कि मेरा आत्मा का प्रसन्नता कैसे होगा। भागवत वहाँ से शुरू होता है कि तुम्हारा आत्मा प्रसन्न कैसे हो। छह प्रश्न किया उसके अंदर, ये सबसे पहला प्रश्न और श्रेष्ठ प्रश्न है कि किससे मेरा आत्मा का प्रसन्नता होगा, आत्मा प्रसन्नता, उसका उत्तर में सुत गोस्वामी जी बोल रहे, सबई पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति अधोक सजे अहि तुकी अप्रतिहता जय आत्मा सुप्रसीद। श्रेय क्या है, मंगल क्या कैसे होगा, परो धर्म का जाजन कीजिए, परो धर्मो ईश्वर में भक्ति, अचला भक्ति, शुद्धा भक्ति, अहि तुकी भक्ति, अकिंचना भक्ति, अकाम भक्ति, जिससे कि आत्मा का प्रसन्नता। हम लोग तो अपने को पहचानने में भूल जाते हैं, हम फलाना आदमी है, हम वकील है, हम डॉक्टर है, हमारा पिताजी का नाम ये है, हम उस नगर के वासी है, हमारा लड़का है ये, यही सब परिचय में हम जानते हैं, लेकिन वास्तव में मैं कौन हूँ। शास्त्र कहता है कि तुम शरीर नहीं हो, केवल तुम केवल मन नहीं हो, तुम आत्मा हो, सोल, शरीर और मन आत्मा के आश्रय में रहता है, आत्मा शरीर के आश्रय में नहीं रहता है, आत्मा चेतन सत्ता है, उसको हम देख नहीं पाते हैं, इतना सूक्ष्म है। गीता पढ़ते हैं तो उसमें देखिए, ममई वंश जीवोलो के जीव भूत सनातन, कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन ये जितना जीव है सनातन है,
ये भी मरते नहीं है, ये मेरा ही अंश है। हम लोग तो बोलते हैं हाय मर जाएंगे, हाय हाय करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा का मृत्यु नहीं है, आत्मा ईश्वर के अंश है। आत्मा ही मैं हूँ और आत्मा के साथ जो दो चीज है, एक बुनियान है एक केमिज है। हमारा स्थूल शरीर है ये पांचों भौतिक शरीर रक्त मांस हड्डी से बना हुआ, और हमारा एक सूक्ष्म शरीर है वो मन बुद्धि अहंकार, ये दो शरीर लेकर आत्मा संसार में विराज कर रहे हैं। जिस दिन आत्मकल्याण, जिस दिन आत्मचेतना आ जाएगा, हम स्थूल और सूक्ष्म शरीर से मुक्त होकर हम ईश्वर के सेवा में पहुंच सकते हैं, मुक्त हो सकते। सुत गोस्वामी का कहना है कि वही जीव का श्रेय है जिसके द्वारा वो भगवान का भक्ति करते हैं, और भगवान का भक्ति करने से उसी से आत्म प्रसन्नता होगा। दो प्रश्न का उत्तर एक श्लोक में दिया, उसे और ज़्यादा व्याख्यान भी और कई श्लोक हैं, लेकिन समय थोड़ा होने के कारण मुख्य मुख्य रूप से हम बोलते जाएंगे। पूरा भागवत दूसरा तीसरा जितना द्वादश स्कंदात्मक भागवत है, भागवत द्वादश स्कंद है, और भागवत भगवान का विग्रह है, मूर्ति है। श्री कृष्ण परिवर्तित हो, कृष्ण अपना रूप को बदलकर शास्त्रों के रूप में आए, इसलिए देखिएगा कि सिख संप्रदाय में गुरु ग्रंथ साहिब, ग्रंथ गुरु है, ग्रंथ भगवान। पूरे भागवत में भगवान का अवतार कथा, भगवान का जशक कथा, गुण का महिमा और भगवान का लीला कथा पूरा भागवत में है। और ये पांचवा प्रश्न है। छठा प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है। सोनोग ऋषि ने पूछा कि भगवान कृष्ण जब चले जाते हैं, कली का प्रवृत्ति होता है, कलिकाल शुरू होता है, उस समय धर्म किसके आश्रय में रहेगा, धर्म के बारे में कहाँ जाने से हमको सही दिशा मिलेगा। सुत गोस्वामी पाद कहते हैं, कृष्ण सधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ नष्ट दृशा में स पुराणार्को धुनो। कृष्ण जब अपना सधाम में चले जाते हैं, ये कलिकाल का प्रवृत्ति होता है, और नष्ट दृशम, कलिकाल के जीव दृष्टिहीन संपन्न होगा, अंधा होगा। तो हम लोग तो बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं, थोड़ा पावर कम होता है तो चश्मा का दुकान में चले जाते हैं, बड़ा हाई पावर, और नहीं तो हम लोग लेंस डाल लेते हैं। भागवत बोलते हैं कि कलौ नष्ट दृशम, कलिकाल के जीव दृष्टि शून्य है, अर्थात शुभ दृष्टि शून्य है, ही अपना हित कैसे होगा, वो दृष्टि में अभाव रहेगा कलियुग के। केवल काम क्रोध लोभ से पीड़ित होकर अंधा हो जाएगा कलियुग के जीव। देखिए ना, रास्ते में चलते फिरते शहर में कितना उलझन, कितना झगड़ा, कितना टेंशन, आज जीवन अशांत है, देश अशांत है, हर एक जगह पर अशांति है, किस लिए है? कलौ नष्ट दृशाम, बहुत कम आदमी के शुभ दृष्टि रहेगा, बहुत कम आदमी के अंदर विवेक युक्त दृष्टि रहेगा, अविवेकी, अविवेक, अविवेक जिसके अंदर विवेक नहीं हो, वो आंख में चाहे कितना ही देखे शुभ नहीं देखेगा, खराब चीज को ही देखेगा, अच्छा चीज को नहीं देख पाएंगे। भागवत में एक शब्द है, इसलिए कलौ नष्ट दृशम,
कलयुग के मनुष्य के अंदर बहुत कम आदमी के अंदर सत दृष्टि, देखने का अच्छा देखने का आदत कलयुग के जीव के अंदर नहीं रहेगा। कलो नष्ट दृशाम, और ऐसा नष्ट दृष्टि संपन्न व्यक्तियों को दिशा दिखाने के लिए, धर्मों के ओर खींचने के लिए, धर्मों को ओर आकर्षण करने के लिए भागवत का सृष्टि होगा। जैसे ही कृष्ण चले जाएंगे ऐसे ही पुराणार्को धुनो उदितो, पुराण रूप सूर्य उदित होगा, जो कि दृष्टिहीन असत दृष्टि संपन्न जीवों को धर्म का दिशा दिखाएगा। इसलिए तो भागवत का इतना प्रचार है कलियुग में। सुतो गोस्वामी पहले ही बोल दिया कि धर्म भागवत में आश्रित रहेगा, दृष्टिहीन अथवा कुदृष्टि संपन्न मनुष्य को दिशा दिखाएगा। वास्तव धर्म क्या है, वास्तव मनुष्यत्व क्या है, वास्तव जीवन क्या है, जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति क्या है, भागवत दिखाएगा। कलौ नष्ट दृशाम एष पुराणार्को धुनो उदितो। आप तो शिव पुराण पढ़ेंगे, आप तो वराह पुराण कथा सुनेंगे, कहाँ क्या चीज है हमारा फायदा के लिए, वो पुराण आपके पास पहुंच जाएगा, पुराण कथा वाचक भी आपके पास पहुंच जाएगा। क्यों? हम तो साधु के पास नहीं जाएंगे, पंडित को बुला लेंगे। साधु के पास जाने में तकलीफ है, टाइम बर्बाद है, गौड़ीय मठ में थोड़ा बहुत भीड़ लगेगा तो समझ लेना पड़ेगा कि खिचड़ी और खीर का भीड़ है, वास्तव में कथा सुनने का भीड़ नहीं होगा। ब्राह्मण आपका धर्म को, आप धर्म को समझते, ब्राह्मण आपको धर्म बताएगा, ब्राह्मण आपका हिसाब किताब देख लेगा, आपका अंदर क्या तकलीफ है देख लेगा, आपको पूजा पाठ कराएगा, दक्षिणा आप कितना ज़्यादा देते हैं वो ठीक समझ लेगा। ब्राह्मण बताएगा आप वराह पुराण पढ़िए, प्रेत जोनी से आपका मुक्त हो जाएंगे आप, वराह पुराण और कितना कितना पुराण है। लेकिन भागवत कहते हैं, सूति जी कहते हैं कि कलियुग का जैसा ही प्रवृत्ति हुआ, पुराण महापुराण रूप सूर्य श्रीमद् भागवत का उदय होगा, जो धर्मों का ठीक ठीक दिशा को दिखाएगा। पुराणार्को अधुनो उदितो, वास्तव में जीव आज भ्रमित है, वास्तव में हम लोग भ्रमित है, समाज व्यवस्था आज छिन्न भिन्न हो चुका है, हो रहा है, उसी में समाज बंधन या परिवार के प्रेम बंधन में जो भी जहाँ पर दिखाई पड़ रहा है थोड़ा बहुत, जहाँ पर भागवत धर्म का प्रभाव है, जहाँ पर भक्ति शुद्ध भक्ति जहाँ पर स्थिति है, वहीं पर थोड़ा प्रेम, वहाँ पर थोड़ा शांति, वहाँ पर थोड़ा वातावरण अच्छा दिखाई पड़ता है। नहीं तो हम कितना फिर रहे हैं, कितना पीछे पीछे फिर रहा है। हम गीता पढ़ते हैं, गीता में भगवान ने बोल दिया कृष्ण अर्जुन को, कामो इस्तो हिता ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, एकदम श्लोक कृष्ण बोल दिया, मेरा मंदिर में नहीं आकर दूसरा मंदिर में यदि भीड़ देखो तो समझ लेना वहाँ पर काम है, मांगने का आदमी ज़्यादा है। कामो इस्तो हृत ज्ञाना, कामना चालित होकर ज्ञान को खो दिया इसलिए वहाँ पर भीड़ लगाया। कहाँ पर डोर बांध रहे हैं, कहाँ पर नारियल तोड़ रहे हैं, कहाँ क्या कुछ नहीं हो रहा है, गीता में उसका प्रमाण है। कामो इस्तो हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता,
आप तो बोलेंगे कि गुरुजी आप तो कृष्ण भक्त है इसलिए आप ऐसे ही निंदा करते रहेंगे। निंदा को कोई बात नहीं है, ये कृष्ण स्वयं गीता में बोल दिया है, जिस गीता को हम सम्मान करते हैं, कि मेरा मंदिर में भीड़ नहीं होगा कली युग में। देवी का मंदिर में, देवी पूजन में, और जो एस्ट्रोलॉजर है उनके दरबार में ज्यादा भीड़ होगा। क्यों आदमी परेशान है? या तो कोई दुख है, या तो कोई चीज को पाना है, भगवान छोड़कर। हमको ईश्वर नहीं चाहिए, ईश्वर भक्ति नहीं चाहिए, हमको संसार के वस्तु कुछ चाहिए, अथवा हमारा अंदर कुछ तकलीफ है, हमारा बीवी का तकलीफ है, हमारा स्त्री का तकलीफ है, हमारा लड़का का तकलीफ है, उसको मिटाने के लिए जाते हैं। लेकिन अकामो सर्व कामो मोक्ष कामो बा उदारधि तीव्रेन भक्ति जोगेन जजते पुरुषं पुरं पुरम। आप कामना रहित हो या आप कामना युक्त हो, आप सांसारिक वस्तु कामी हो या मोक्ष कामी हो, जजते पुरुषं परम। जो बुद्धिमान होगा वो कृष्ण के चरण में जाएगा, कामना रहेगा तो समाप्त कर देगा। कामना को आप भूल जाएंगे। कृष्ण ऐसा परम तत्व है, ऐसा हितकारी है, ऐसा निरुपाधिक करुणा करते हैं। अभी कथा सुनते सुनते सौनकादि ऋषिगण सुत गोस्वामी को एक प्रश्न पूछ लिया। अच्छा महाराज जी, कौन युग में भागवत का सृष्टि हुआ, किन्होंने किनके द्वारा ये भागवत आए, ये भागवत कौन, प्रवक्ता कौन है, भागवत को किसने सुना था, किनके प्रेरणा से भागवत का सृष्टि हुआ, ये सारे दो चार प्रश्नों सौनक ऋषि ने पूछ लिया। उसमें भागवत का पहला स्कंद समाप्त होता है कि जब सुत गोस्वामी जी कहने लगते हैं कि भागवत कैसे सृष्टि हुआ, सृष्टि से ही मालूम पड़ जाएगा भागवत का महिमा क्या है, भागवत का चमत्कारिता क्या है। भगवान के 27 अवतार के रूप में आए वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, और द्वापर युग का अंत, जिस समय सृष्टि का आदि में भगवान नारायण ब्रह्मा को वेदवाणी उपदेश किया था, श्रौत धारा में ब्रह्मा के बाद ब्रह्मा उस वेदवाणी को धारण किया, फिर उसके बाद उन्होंने अपना पुत्र नारद को दिया, फिर नारद से वेदव्यास को मिला, वेदव्यास जी वेद का रचना किए, वेदव्यास जी स्वयं भगवान के अवतार है, वरना कोई मनुष्य वेद को रचना नहीं कर सकते। भगवान के तत्वों के बारे में, भगवान के विषय में, धर्मों के बारे में भगवान ही प्रकाश कर सकते हैं, मनुष्य नहीं प्रकाश करते। मनुष्य का बुद्धि में भ्रम प्रमाद ये सब त्रुटि रह सकता है, लेकिन इसलिए भगवान वेदव्यास जी के रूप में आए, वेद को रचना किया, उसके बाद वेदांत उपनिषद आदि रचना करने के पश्चात किसी समय वो अपना बद्रिकाश्रम में, अपना आश्रम में बैठे हुए थे और बड़ा चिंतित थे, दुखी थे। भागवत कहाँ से आया उसका वर्णन कर रहे सुत गोस्वामी पर। बड़ा दुखी होकर बैठे हुए थे एक दिन, पेड़ के नीचे अपना आश्रम में बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि हम जीव कल्याण के लिए
वेद रचना किया, वेद का विभाजन किया, वेदांत उपनिषद पुराण रचना किया, लेकिन फिर भी हमारा मन में शांति नहीं है, मैं दुखी हूं। वेदव्यास जी को दुख का कोई कारण नहीं था, लेकिन वो विमर्श होकर बैठे हुए थे। भगवान की इच्छा से नारद ऋषि उनके आश्रम में पहुंचे और गुरुदेव को देखकर वेदव्यास जी प्रणाम किए और अपना हृदय का बात गुरु जी को बताएंगे ऐसा मन में सोच रहे थे। तब तक नारद ऋषि बोलते हैं कि तुम दुखी क्यों हो, तुम्हारा मन विषण क्यों है, तुम्हारा जितना तुम शास्त्र रचना किया, विधि दिया, विधान दिया, सब कुछ जीव कल्याण के लिए, जीव को शांति पहुंचाने के लिए, वो सब ग्रंथ लिखने के पश्चात यदि तुम दुखी रहोगे तो तुम्हारा ग्रंथ पढ़कर वो लोग को सुख कैसे मिलेगा। नारद जी पूछा, वेदव्यास जी कहते हैं कि वास्तव में गुरु जी मेरा मन दुखी है, आपने ठीक बोला, लेकिन मैं भी कारण नहीं समझ पा रहा कि मेरा अंतर में क्यों शांति नहीं है, क्यों मैं दुखी हूँ। मैं जीव के लिए, जीव कल्याण के लिए इतना सारे ग्रंथ रचना किया, लेकिन मेरे अंदर ही दुख, इसका कारण आप बताइए गुरुदेव। वेदव्यास जी नारद को ही बोले कि मैं तो समझ नहीं पा रहा, आप बताइए गुरुदेव मेरा अंदर क्या त्रुटि हो गया, मेरा अंदर कुछ गलती हुआ, मेरे से कोई गलती हुआ होगा जिसके कारण मैं दुखी हूं। नारद ने तब मुस्कारे और कहे कि वेदव्यास जी मेरा बात को तुम श्रवण करो, निश्चित रूप से तुम कहीं पर गलती किया। कहां किया? मेरा मन ऐसे बोलता है, यथा धर्मादयस्य अर्था मुनिवर जानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता। नारद बोलते हैं कि वेदव्यास तुमने धर्म अर्थ और काम मोक्ष ये चार चतुर्वर्ग इसको दिलाने के लिए, इसको लाभ करने के लिए धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग और चतुर्वर्ग है मुक्ति। तुम जीव को यथा धर्मादयस्य मुनिवर जानुकीर्तिता, धर्म अर्थ काम इसको लाभ करने के लिए जिस तरह से तुम ग्रंथ में बहुत सारे कथा वर्णन किया, नौ तथा वासुदेवस्य महिमा जनुवर्णिता, तुम उतना वासुदेव भगवान कृष्ण का महिमा इतना नहीं बोले। लोग कैसे धर्म करेगा, धर्म के द्वारा कैसे अर्थ उपार्जन करेगा, अर्थ पाने के बाद कैसे काम भोग करेगा, ये त्रिवर्ग का कथा तुम्हारा ग्रंथ में बहुत है। तुम बड़ा बड़ा कर विस्तृत रूप से धर्म अर्थ काम और अंत में जाके मोक्ष के बारे में बोले हो, लेकिन भगवान वासुदेव वसति सर्वत्रम इति वासुदेव, भगवान का एक नाम है वासुदेव, जो सब जगह पर बसते हैं, सब जगह पर रह सकते हैं, वो उनका नाम है वासुदेव। वासति सर्वं आत्मकुक्षी मध्ये इति वासुदेव, जो सब कुछ को सृष्टि के लय होने पर अपना शरीर में वासा दे सकता है, रहने का स्थान दे सकता है, उनका नाम है वासुदेव, भगवान का वासुदेव। भगवान वासुदेव का ऐसा चमत्कार नाम आया, सब जीवों के अंदर वो बैठते हैं, सब जीवों के अंदर वो रहते हैं, हृदय गुफा में रहते हैं, एक चिट्टी से लेकर इंद्र, भगवान देवराज इंद्र तक सबके अंदर भगवान विराजमान है। और सृष्टि का लय हो जाए
सब जीव पूरा विश्व ब्रह्मांड उनके शरीर में वो अंतर में डालकर वो रह सकता है, इसलिए भगवान का एक नाम है वासुदेव। अभी नारद जी बोलते हैं वेदव्यास जी को, तुमने मनुष्य जो स्वभाव सिद्ध है संसार धर्म प्रवृत्ति मार्ग में भोग सुख पाने के लिए जिनका स्वभाव में ही है, उनको तुम सिखा रहे हो कि कैसे संसार करोगे। उनके लिए कई शास्त्र में तुम वर्णन किया है कैसे संसार धर्म होगा, कैसे अर्थ कमा सकते हो, कैसे काम भोग कर सकते हो। इसमें आप बहुत सारे ग्रंथ लिख लिया, लेकिन वासुदेव का महिमा, कृष्ण कथा तुम विशेष रूप से वर्णन नहीं किया, और उससे जीवों का जो कष्ट है संसार में प्रवृत्ति मार्ग में सब लोग ऑटोमेटिक चलता रहेगा, उसके लिए बहुत सारे विधि विधान दिया तुमने, लेकिन जो भक्ति मार्ग में नहीं जा सकते, भक्ति मार्ग का जो सहज पथ है भगवान को पाने के लिए डायरेक्ट मार्ग है, उस भक्ति मार्ग को लिए तुमने कोई ऐसा कोई ग्रंथ नहीं रचना किया जिसमें मनुष्य पढ़े सुने और साक्षात डायरेक्ट रूप से भगवान के चरण में पहुंच जाए। कर्म मार्ग में घूम घूम के सीढ़ी चढ़ते चढ़ते फिर ज्ञान मार्ग में, फिर योग मार्ग में, फिर जाके भक्ति मार्ग में जाएगा, तुम ऐसा करके शास्त्र में वर्णन दिया, लेकिन डायरेक्ट भक्ति योग, जिससे कि भगवान का कथा सुनते सुनते हृदय काम मुक्त हो जाए, क्रोध मुक्त हो जाए, हृदय निर्मल हो जाए और भगवान के चरण में उनका भक्ति उत्पन्न हो जाए, ऐसा कोई शास्त्र तुमने नहीं लिखा। और उससे जीवों का कष्ट है संसार भोगते भोगते निवृत्त होकर कष्ट पाकर, कोई कोई जीव कई जन्म के बाद वो सोचता है कि हम यहाँ पर इतना कष्ट क्यों भोग रहे हैं, भगवान सुख स्वरूप है, उनका भजन करना ही हमारा उचित है। इतना देर बाद वो समझ रहे हैं कि भगवान का भजन करना चाहिए, तुम ऐसा एक ग्रंथ लिखो कि जिससे कि शुरू से ही मनुष्य चाहे बाल है चाहे वृद्ध हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे वानप्रस्थी हो, शुरू से ही ऐसा संस्कार उनको मिले, उस ग्रंथ को पढ़ के ऐसा भक्ति का संस्कार मिले जो कि डायरेक्ट रूप से भगवान के लोक में चले जाए और नित्य धाम में चले जाए, उनका कष्ट का लाघव हो जाए, 50 जन्म 84 लाख जानी जोनी भ्रमण ना करना पड़े। 84 लाख जोनी भ्रमण करते करते तुम उनको भगवान का भक्ति सिखाओगे, और शुरू से ही बचपन से ध्रुव महाराज भक्त बन गए, बचपन से ही प्रहलाद महाराज भक्त बन गए। कैसे भक्त बने आप लोग को मालूम है, धीरे धीरे सुनेंगे। ध्रुव महाराज थोड़ा सा सिंहासन में बैठने का लालच से भगवान का भजन करने गए, उनको मालूम हो गया कि भगवान सत्य है और सब मिथ्या। प्रहलाद महाराज मातृ गर्भ में थे और नारद ऋषि उनका माँ को हरि कथा सुना रहे थे, भागवत कथा, उससे उनको भक्ति हो गया, डायरेक्ट मार्ग मिल गया। कितना बड़े बड़े विपत्ति आए उससे, वो उसको झेल लिया। नारद जी कहते हैं कि वेदव्यास तुम भक्ति योग में समाहित होकर ईश्वर का ध्यान लगाओ, कहाँ गलती है पकड़ा जाएगा, अंतर्जामी तुमको बता देगा कि तुम्हारा अंदर क्या गलती हुआ। भक्ति योग में ध्यानस्थ होकर वेदव्यास जब गुरुजी चले गए और भक्ति योग में समाहित होकर ध्यान में बैठ गए, अपश्यत पुरुषं पूर्णं मायांच तदपाश्रयम्। जैसे ही वो ध्यान में बैठ गया, भगवान आकर परम पुरुष भगवान को देखते हैं, उनके पीछे तरफ भगवान के पीछे तरफ माया को देखते हैं, और बीच में जीव आत्मा सब अपना कर्मों को भोग कर रहा है, छटपटा रहे है, क्लेश भोग कर रहा है। वेदव्यास जी ने देखा, भगवान ने उनको बोला कि तुम शुरू से ही जीव को संस्कार दो, ऐसा एक ग्रंथ लिखो, भक्ति मार्गी के लिए एक ग्रंथ लिखो, डायरेक्ट भक्ति योग का वर्णन हो ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें
छोटा उम्र से ही कोई अगर उस ग्रंथ का चर्चा में पड़ जाए तो उसको डायरेक्ट भक्ति योग मिल जाएगा। इस संसार में नाना जनी उनको भ्रमण ना करना नहीं पड़ेगा, तो तुम्हारा आत्म कल्याण होगा, तुम्हारा आत्म प्रसन्नता होगा। वेदव्यास जी नारद ऋषि के कहने पर भक्ति योग में समाहित होकर कृष्ण को देखा, माया को देखा और जीव आत्माओं को देखा, कैसे भगवान को बिछड़ कर वो इस संसार में कष्ट पा रहा है, प्रवृत्ति मार्गों में कैसे दुख भोग रहा है, दुख झेल रहा है, इसको देखकर वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत ग्रंथ का रचना किया, जिसका हर पद में कृष्ण का गुणगान है, जिसके हर पद में भक्ति और रस, भक्ति रस एकदम हर अक्षर में, हर शब्दों में, हर श्लोक में भक्ति रस डाल दिया है वेदव्यास जी। इसलिए श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना, श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, श्रीमद् भागवत धर्म को जाजन करना सर्वश्रेष्ठ। वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत रचना कर दिया, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ और समस्त शास्त्रों का निचोड़। अभी सोचने लगा कि मैं इस ग्रंथ को किसको पढ़ाऊंगी, किसी को तो सिखाना पड़ेगा, वरना वो लोगों को कैसे सिखाएगा, दुनिया को कैसे सिखाएगा। तो सौनक ऋषि का प्रश्न था कि भागवत कब रचना हुआ, भागवत कौन रचना किया और भागवत सबसे पहले किसको सुनाया। वेदव्यास जी सोच रहे कि हमारा ये ग्रंथ सुनने का यज्ञ कौन है। जो लोग माया मृग है, संसार स्त्री पुत्र परिवार को छोड़कर एक मिनट भी नहीं रह सकता है, उनको हम भागवत कैसे पढ़ाएंगे। भागवत पढ़ाने के लिए कोई पात्र ढूंढ रहे वेदव्यास। ढूंढते ढूंढते उनका मन में याद आया, मेरा ही तो लड़का जो 16 साल मातृ गर्भ में रहा, जन्म लेते ही मेरा तरफ नहीं देखा, जंगल में भागा, वही सुखदेव जो है वो निष्काम है, वो माया मुक्त है, वो ब्रह्मलीन है, वही असल भागवत पढ़ने का यज्ञ है, इसलिए हम उसी को पढ़ाएंगे। लेकिन पढ़ाएंगे कैसे, जन्म लेते ही पापा पापा मामी मामी बोल के पुकारा नहीं है, एकदम सीधा जंगल में पहुंचे थे सुखदेव जी। तो उस लड़का को हम कैसे वापस ले आए, वो तो ब्रह्ममय है, ब्रह्मलीन है, वो तो संसार का क्लेश को समझते थे, इसलिए वो ब्रह्म का चिंतन करते हुए जंगल में चले गए। जन्म लेते ही मातृगर्भ से निकल नहीं रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि हम मातृगर्भ से जन्म लेंगे और माया हमको पकड़ लेगा, इसलिए ज्यादा दिन मातृगर्भ में रहे और उसके बाद निकलते ही जंगल में भाग रहे थे। ऐसा शायद कोई इतिहास हो कि मातृगर्भ में इतना साल रहना और मातृगर्भ से जन्म लेने के बाद जंगल में भागना, ऐसा कोई दृष्टांत तो सुखदेव छोड़कर और नहीं है। वेदव्यास जी मन में चिंतन कर रहे, उस लड़का को हम कैसे भागवत पढ़ाएं। सोचते सोचते उनका अंदर एक बुद्धि आया, सुखदेव जी जंगल में घूमते थे, किसी एक जगह पर वो ज्यादा टाइम रुकते नहीं थे। गो दोहन काल एक गाय को दूध निकालने में जितना टाइम रहता है, साधु पुरुष गृहस्थ के घर में उतना टाइम, उससे ज्यादा टाइम नहीं रहता है। और सुखदेव तो मुक्त पुरुष है, वो ज्यादा टाइम नहीं, कहीं पेड़ के नीचे थोड़ा सा बैठ गया, फिर उसके बाद चल दिया। वेदव्यास जी ने बुद्धि लगाया, जंगल में लागड़ी काटने वाला कठुरिया होता है, लागड़ी काटने वाला जलानी लागड़ी, एक कठुरिया को पकड़ कर ले आया वेदव्यास। उनको श्रीमद् भागवत का जो मुख्य मुख्य श्लोक है उनको सिखाया, 8-10 श्लोक उनको पढ़ाया, उनको कंठस्थ कराया, जिसमें कृष्ण का गुण वर्णन हो, ऐसा मुख्य मुख्य श्लोक सिखाया। और वेदव्यास जी ने उनको बोला कि तुम
जंगल में जब लकड़ी कटोगे वो श्लोक का उच्चारण करते रहना, गाना गाते रहना, तुम्हारा कल्याण है और जो सुनेगा उसका भी कल्याण है। किसी समय वो श्लोक का उच्चारण कर रहे और सुखदेव जी बगल से जा रहे थे, कान में आया, ऐसा सुंदर ब्रह्म के गुण है। निर्गुण का जब गुण है वो है कृष्ण, निर्गुण ब्रह्म है। ब्रह्म कोई वास्तव में कोई मूर्ति नहीं है, ब्रह्म निराकार है। इसलिए है कि भगवान के शरीर के जति अंग लाइट इफाल्जेंस उसको ब्रह्म बोलते हैं। वास्तव में ब्रह्म का अलग अस्तित्व नहीं है, कृष्ण का ही शरीर का जो ज्योति है उसी को ब्रह्म कहते हैं ज्ञानी लोग। लेकिन ज्ञानी लोग को मालूम नहीं है कि ब्रह्म के निर्गुण वस्तु का भी गुण है। वेदव्यास जी को मालूम था कि भगवान निर्गुण वस्तु का गुण है, वो अपना कठोरिया को सिखा दिया। जैसे ही सुखदेव के कान में आया, सुखदेव रुक गए और वो कठोरिया को पूछते हैं कि मैं तो निर्गुण वस्तु में निष्ठा प्राप्त हूँ, मेरा चित्त को भी आकर्षण कर रहा है तुम्हारा ये गाना, ये गाना तुम कहाँ से सीखा? वो गाना गाते ही जा रहे हैं, श्लोक पढ़ते ही जा रहे हैं कठोरिया। जैसे ही सुखदेव जी बोला, अरे तुम क्या मेरा बात पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? तो बोला, बताओ कि तुम्हारा ये जो गाना है कहाँ से सीखा? ये गाना तो कई इस सृष्टि में नहीं दिखाई पड़ता है। सृष्टि में तो गाना है अपना, लड़की का गाना, अपना लड़का का गाना, अपना पुत्र को गाना, अपना जस प्रतिष्ठा का गाना है, लेकिन ये कोई दूसरा गाना गा रहे हो तुम। निर्गुण वस्तु भगवान उनका गाना वो गा रहे थे श्लोक में। उससे आकृष्ट होकर सुखदेव जी बोला कि तुम ये गाना कहाँ से सीखा? बोला, मैं एक साधु से सीखा, एक ऋषि। तो बोला कि मेरे को ले चलो वहाँ पर। तो बोला कि कठोरिया बोला कि आओ मेरा साथ। वो चलते 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 थे तो वहीं पहुँच गया वेदव्यास का आश्रम, बद्रिकाश्रम, उनका पिताजी के पास। जन्म लेते ही जिसको छोड़कर भागा वहीं पर वो सुखदेव जी वहाँ पर पहुँच गया। ये है भागवत। अगर श्रद्धा से सुना जाए भागवत, रोज सुना जाए, भगवान में प्रेम उत्पन्न होगा। आपके हृदय के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद जितना शत्रु है वो भागेगा ऑटोमेटिक, अगर श्रद्धा से आप सुन। सुखदेव जी को मालूम नहीं है कि मेरा पिताजी है, उनका तो उनका पिता क्या है, माता क्या है, वो किसको छोड़ के गया था जंगल में, उनको तो वो तो देखा ही नहीं पिताजी को कभी। जब काठुरिया लेकर उनको पहुंचाया तो सुखदेव जी उनको प्रणाम किया और कहते कि आप मेरे को परम ब्रह्म का गुण सुनाइए, मैं गुण सुनना चाहता हूँ, मैं उनमें आकृष्ट हूँ। जगतगुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जिन्होंने गौड़ीय मठ का प्रतिष्ठा किया, उन्होंने किसी समय कहते थे इस दुनिया में कोई चीज़ का अभाव नहीं है, दारिद्र नहीं है, एकमात्र दारिद्र है कि भगवान का कथा में रुचि, कृष्ण कथा का अभाव है, और कोई चीज का अभाव नहीं है संसार में। वो कृष्ण कथा अगर हो गांव गांव में, घर घर पर, तो मनुष्य का क्लेश समाप्त हो जाए। वेदव्यास जी, उनको भी मालूम नहीं है कि मेरा पुत्र है, वो तो पुत्र का मुंह भी नहीं देखे। सुखदेव जी को सुनाया, 7 दिन तक भागवत का कथा सुनाया बदरी सम, वही फास्ट सिटिंग है भागवत का। सुनते 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 सुखदेव जी का मन एकदम आकृष्ट हो गए। ये बात कैसे मालूम पड़ा? दूसरा स्कंद के कथा में आएगा, जब सुखदेव जी परीक्षित महाराज, शापभ्रष्ट परीक्षित महाराज को 7 दिन कथा सुना रहे थे, उस समय उन्होंने स्वयं प्रकाश किया कि परिनिष्ठित विनोर्गुण ने उत्तम श्लोक लिया, गृहित चेता
राजर्षि आख्यानम यदि ऋतमान। मैं निर्गुण वस्तु ब्रह्म में लीन था, लेकिन निर्गुण का जो गुण है उसमें आकृष्ट होकर, जिस कारण मैं माया छोड़कर मैं जन्म लेते ही भाग गए थे। भगवान का गुण सुनने के लिए मेरा पिताजी के पास ही मेरे को जाना पड़ा था, ये बात बाद में खुलासा किया। तो सोनक ऋषि का प्रश्न था कि किसने भागवत सृष्टि किया, कब सृष्टि किया, कैसे सृष्टि किया, और सबसे पहले भागवत किसको सुनाया था? अपना लड़का परीक्षित महाराज को, अपना लड़का सुखदेव जी को सुनाया था। किस परिस्थिति में सुनाया था उसका वर्णन पहला स्कंद में है कि महाभारत का कथा आता है, जब कौरव वंश में सब एक एक करके स्वर्गवास हो रहा था, उसके बाद पंच पांडव के एकमात्र पुत्र जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, वो भी चक्रव्यूह में मारा गए, लेकिन उनका स्त्री के गर्भ में परीक्षित महाराज थे, उत्तरा देवी के गर्भ में। पंच पांडव को निर्वंश करने के लिए अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़े थे उत्तरा देवी के गर्भ को लक्ष्य करते हुए। उस समय उत्तरा देवी भगवान कृष्ण का नाम पुकारे थे कि पाही माम ऐसे करते करते कृष्ण के तरफ दौड़ रहे थे। बाद में भगवान सुदर्शन चक्र से अपना अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र को छिन्न भिन्न किया और परीक्षित को रक्षा किया, इसी से उनका नाम है परीक्षित। मृत्यु के द्वार से निकालाए परीक्षा देते देते, और जब परीक्षित का जन्म हुआ उत्तरा का गर्भ से, गर्भ के अंदर वो एक पुरुष को देखा था, कृष्ण का रूप को देखा था। जन्म लेने के पश्चात वो हरेक आदमी को देखते रहते थे कि गर्भ के अंदर जो पुरुष का दर्शन हुआ वो कहाँ है, परीक्षा करते थे, इसलिए उसका नाम है परीक्षित। पंच पांडव के एकमात्र वंशहार, उसी को सुखदेव जी भागवत कथा सुनाया था। दूसरा सीटिंग है, किस परिस्थिति में सुनाया? परीक्षित महाराज बाद में राजा हुए, पंच पांडव प्रस्थान किए भगवान के लोक में, स्वर्गलोक में प्रस्थान किए। उसके बाद परीक्षित अपना राजकार्य चला रहे थे। परीक्षित के समय ही कली का प्रवेश हुआ। परीक्षित जंगल में मृगया करने के लिए, शिकार करने के लिए जाते हैं। वहाँ किसी दिन उनको बड़ा तृष्णा, पानी पीने का इच्छा होता है। पानी, जंगल में पानी कहाँ मिलेगा? ढूंढते ढूंढते एक ऋषि के आश्रम में जाते हैं, समीक ऋषि के आश्रम में। समीक ऋषि ध्यान मग्न थे, उनसे पानी मांगते हैं परीक्षित महाराज। तो समीक ऋषि ध्यान मग्न होने के कारण उनको पानी नहीं दिया, और परीक्षित महाराज के अंदर क्रोध आया। वो क्रोध भी कली का ही चेला था, मस्तक में मुकुट था परीक्षित महाराज का, उससे उनके क्रोध आया। जो काम कभी नहीं किया उन्होंने कर बैठा। एक मरा हुआ सांप को धनुष के अग्रभाग में उठाकर उस समीक ऋषि उनके गले में डाल दिया, और कुछ देर बाद उनका लड़का जब आया श्रृंगी, देखा कि मेरा पिताजी के गले पर मरा हुआ सांप। लड़का लोग बोला कि एक राजा आया था और उसने ये तुम्हारा पिताजी को ऐसे असम्मान किया। वो ऋषि पुत्र श्रृंगी ने अभिशाप दे दिया कि जो भी राजा मेरा पिताजी के गले में मरा हुआ सांप दिया, उनको आज से सातवां दिन तक्षक दंशन में उनका मृत्यु होगा। अभिशाप दे दिया। जैसा अभिशाप दिया उसके बाद पिताजी का चेतना आया। समीक ऋषि कहते हैं कि ये कैसे कर दिया बालक तुमने, बड़ा अनर्थ कर दिया। वो तो पानी मांग रहा था, वो देश के राजा था, उनको पानी देना तो धर्म था हमारा। हमने पानी नहीं दिया, हमने अन्याय किया, और तुमने क्यों अभिशाप दे दिया? बाद में वो समीक ऋषि क्या करते हैं, अपना एक शिष्य को भेजते हैं परीक्षित महाराज के घर पर। परीक्षित महाराज
मरा हुआ सांप को डालकर जैसे ही जा रहे थे घर में, भीतर में अनुशोचना आ रहा था, मैंने अच्छा काम नहीं किया। धार्मिक राजा थे, पंच पांडव के वंश में उनका जन्म है, और जन्म के समय पर उन्होंने कृष्ण को देखा मातृगर्भ में, लेकिन उन्होंने ऐसा काम कर दिया तो आक्षेप हो रहा था, बड़ा अनुशोचना हो रहा था। जैसे वो घर तक पहुँचे तब तक समीक ऋषि के शिष्य जाकर कहते हैं, महाराज आपके लिए एक अनर्थ कुसंवाद, अशुभ संवाद है आपके लिए। परीक्षित महाराज एकदम सोच रहे थे कि मेरा कर्म का फल निश्चित रूप से एक खराब फल मेरा पास आएगा। उन्होंने बोला कि तुम बताओ मेरे लिए क्या अशुभ संवाद है। तो समीर ऋषि के शिष्य ने बताया कि आपका आज से सातवां दिन तक्षक दंशन में आपका मृत्यु होगा, ऋषि पुत्रों ने आपको अभिशाप दिया, ऋषि ने मेरे को भेजा कि सात दिन में आप ऐसा कुछ काम कर सकते हैं कि जिससे कि आपका जीवन सार्थक हो जाए, इसलिए जल्दी से हमारा गुरुदेव आपको ये संवाद देने के लिए भेजा। सात दिन का समय मिला परीक्षित महाराज को, और परीक्षित महाराज बड़ा दुखी थे भीतर से। मुकुट खोला, कपड़ा बदला, राजपोशाक बदल लिया, एक साधारण साधु वेश लेकर गंगा के किनारे पर जाकर बैठ गए। प्रायोपवेशन आमृत्यु अनशन, सात दिन और क्या खाना है, बहुत कुछ खा लिया। अभी ईश्वर चिंतन, अभी जीवन का श्रेष्ठ कर्तव्य क्या है वो सबको पूछने लगा। जैसे ही परीक्षित महाराज गंगा के तट पर बैठ गए, इस भारतवर्ष के सब मुनि ऋषि राजन्य वर्ग और जितना पब्लिक सब ने देखा कि इस देश का राजा का मृत्यु होगा सात दिन में। सब लोग दुखी होकर वहाँ पर पहुँचे। जो भी मन में लगा परीक्षित महाराज सबको पूछता है कि सात दिन में मैं ऐसा क्या काम कर सकता हूँ जिससे मेरा कल्याण हो जाए, श्रेष्ठ लाभ मुझे मिले, मेरा आत्म शांति हो। ऐसा पूछते रहे पूछते रहे। नाना मुनि नाना प्रकार बात बोलते रहे। तब तक भगवान सुखदेव के रूप में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सुखदेव जैसे ही पूछते सब मुनि ऋषि खड़े होकर उनका सम्मान करते हैं, और सब मुनि ऋषि बोलते हैं कि सुखदेव जी तुम्हारा प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर देगा। तो परीक्षित महाराज समाहित होकर सुखदेव को प्रणाम किया, और प्रणाम करते ही उनको बैठने का आसन दिया। उसके बाद उनसे पूछने लगा, म्रियमानस्य किं कर्तव्यम्, मृत्युशील मानव को क्या करना चाहिए, मृत्यु के द्वार पर बैठे हुए मनुष्य को लिए सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य क्या है। हमें मालूम नहीं है कि हार्ट अटैक आज रात को होने वाला है या मठ से जाते जाते रास्ते में होने वाला है, हमको मालूम नहीं। हम सात दिन भी जी सकते हैं, सात घंटा जी सकते हैं, सात मिनट भी हम जी सकते हैं, और सात साल भी हम जी सकते हैं, लेकिन मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है। सुखदेव जी परीक्षित महाराज के लक्ष्य करते हुए मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य क्या है, दूसरा स्कंद में उस कथा को बोलते हैं। दूसरा स्कंद में अभी सुख परीक्षित संवाद, सुखदेव जी का प्रश्न है, मियमानुष्य दत्कार्यम, मृत्युशील मानव का क्या श्रेष्ठ कर्तव्य है। आहार निद्रा भय मैथुन, हम ये चार काम में डूबे हुए हैं। आहार निद्रा भय मैथुन अंचम सामान्य मेतम पुष्प पशुभी नरानाम धर्म ही तेषां अधिको विशेषो धर्मे नहिना पशु भी समाना। किसी महापुरुष ने लिखा है कि चार काम हम लोग करते हैं, खाना खाना, निद्रा जाना, रक्षा करने के लिए व्यवस्था करना संपत्ति को, और काम भोग करना। ये चार काम वास्तव में
पशु में और हमारा में कोई अंतर नहीं है। मैं मनुष्य है, कोई हम डिग्री ले चुका है, कोई हम धनी घर में जन्म लिया है, किसी के अंदर रूप बड़ा अच्छा है, लेकिन एक पशु और एक मनुष्य चार चीज उनके अंदर कॉमन है, खाना, रहना, अपना रक्षा करना, सोना और काम भोग करना, ये चार चीज कॉमन है। लेकिन धर्म ही तेसा अंगोधिको विशेष, धर्म हमारा लिए विशेषता है। एक कीट पतंग, एक पशु, वो धर्म का बारे में उनका ज्ञान नहीं है, लेकिन मनुष्य हम है, हम हमारा अंदर धर्म चेतना है, हम अच्छा बुरा समझते हैं, किससे हमारा कल्याण होगा, किससे हमारा हानि होगा, वो बुद्धि हमारा पास है। इतना होते हुए भी हम अगर अच्छा काम जो पशु करते हैं उससे अच्छा काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम ठग जाएंगे, निश्चित रूप से हम मनुष्य नहीं है, पशु के समान है, शास्त्र कहते हैं। सुखदेव जी से प्रश्न किया परीक्षित महाराज कि मैं मृत्यु के द्वार पर बैठे हैं, आज से 7वां दिन हमारा मृत्यु, हमारा लिखन, विधि का लिखन है, हमारा नियति, हमारा भाग, आज से 7वां दिन मैं इस देश का राजा हूं और मैं कई अन्याय काम किया जिसके वजह से मेरा ये सांप मिला मेरे को, आप बताइए गुरुदेव कि मैं अपना मृत्यु के उस पार कैसे जा सकता हूं। मृत्यु के इस पार तो हम लोग है, पुनः पुनः आना जाना कर रहे हैं, कर्मों के फल से हम भ्रमण कर रहे हैं कर्म चक्र में, लेकिन हम कभी नहीं सोचा कि उस पर में कैसे जाना है। बहुत कम आदमी सोचते हैं कि हम उस पर में कैसे जा सकते हैं, मृत्यु को कैसे हम जय कर सकते हैं, लांग सकते हैं, मृत्यु को जय करते हुए हम अमर कैसे बन सकते हैं, ऐसा हम लोग को भी नहीं सोचे। लेकिन परीक्षित महाराज का समय आया था, उन्होंने सोचने में उनको मजबूर किया उनका भाग। परीक्षित महाराज जैसे ही प्रश्न किया, गरीना गरियान ये सोते प्रश्न, सुखदेव जी बोलते हैं तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है। त्रिन पुनाति ही, तीनों आदमी को पवित्र करेगा तुम्हारा प्रश्न, प्रश्न करने वाला, प्रश्न का उत्तर देने वाला और बाकी जो लोग श्रवण करेंगे तीनों का कल्याण है, ऐसा प्रश्न तुमने पूछा। म्रियमानस जत्कार्यम पुरुषेश ये सर्वथा, पुरुष के लिए, मनुष्य के लिए, मृत्युशील मानव के लिए कौन सा ऐसा कर्म है जिससे कि आप बताएं, जिससे कि हमारा चरम कल्याण हो सके। सुखदेव जी धीरे धीरे उत्तर देने लग रहे हैं और हम लोग आज शुरुआत दिन है, थोड़ा भूमिका और पहला स्कंद का कथा बोले, कल दूसरा स्कंद और आगे का कथा सुनेंगे हम लोग। यहाँ पर हम अपना वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्ण।